मोरहाबादी मैदान में रविवार को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री और कई राष्ट्रीय नेताओं के साथ सैकड़ों वीआईपी आएंगे। वहीं करीब शपथ ग्रहण समारोह का साक्षी बनने के लिए 10,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन रविवार को शपथ ग्रहण करेंगे और शपथ ग्रहण को लेकर किसी तरह की चूक न हो इसे लेकर तमाम प्रशासनिक महकमा तैयारियों में जुटा है। मुख्य सचिव और प्रदेश के डीजीपी भी इसे लेकर मोरहाबादी मैदान पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। लोगों से हमने इन्वाइट किया है और सभी लोग बड़े उमंग के साथ और हर्ष के साथ यहाँ पर भाग लेंगे। कई राज्यों से मुख्यमंत्री गण आ रहे हैं, बहुत ज्यादा वीआईपी आ रहे हैं और हम सब लोगों की तैयारी बिल्कुल पूरी है। ना ही सिर्फ व्यवस्था को लेके, ना ही सिर्फ ट्रैफिक को लेके, ना ही सिर्फ समारोह को लेके, बल्कि उनके लिए आतिथ्य के लेके भी, तो सबके लिए हम लोग प्रोटोकॉल ऑफिसर और सिक्योरिटी का इंतजाम कर रहे हैं। डीजीपी ने बताया है कि कार्यक्रम में कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे तो कई दूसरे भी वीवीआईपी और जिस कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है उन्हें वो सुरक्षा दी जाएगी। डीजीपी ने बताया कि वीवीआईपी के होटल हो या फिर कार्यक्रम स्थल, हर जगह पुलिस के जवान मुस्तैदी के साथ सतर्क रहेंगे। सबसे पहले तो ये मंच या सभा स्थल जहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी का शपथ ग्रहण समारोह है, इसके अलावा एयरपोर्ट जहाँ से अधिकतर माननीय अतिथिगण आ रहे हैं, उसके अलावा तीसरी जगह जो रहने की व्यवस्था जहाँ पर होटल्स हैं जहाँ पर माननीय अतिथिगण रहेंगे, और उसके अलावा जितने भी नए माननीय विधायकगण हैं उनके आने जाने के रास्ते, उनके परिजन, उनके साथ आने वाले लोगों की, सबों की सुरक्षा की व्यापक समीक्षा की गई है व्यवस्था। सभा स्थल के पास आने वाले वाहनों के लिए चार तरह के पास होंगे, सभी के लिए अलग अलग पार्किंग की व्यवस्था। सफेद पास वाले वाहन एटीआई मोड़ से सिद्धू कानू पार्क होते हुए राजकीय अतिथिशाला से होते हुए वीआईपी गेट के जरिए सभा स्थल तक जाएंगे। इन वाहनों का पार्किंग सभा स्थल के पीछे रहेगा। पीला पास वाहनों को एसएसपी आवास चौक से होते हुए रजिस्ट्री कार्यालय होते हुए सभा स्थल के पश्चिम में वाहनों की पार्किंग करनी होगी। पीला पास वाले वाहनों के लिए गुरुजी आवास होते हुए टीओपी के पास बने पार्किंग स्थल जाना होगा। करमटोली से आने वाले वाहनों को आर्मी मैदान में गाड़ी पार्क करना होगा, वहीं हरे पास वाले वाहनों की भी पार्किंग होगी। शपथ ग्रहण समारोह में 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था। बहरहाल सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर तमाम महकमा पूरी तरह से जुटा नजर आ रहा है ताकि हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह को ऐतिहासिक बनाया जा सके। कैमरामैन राजा के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट।